अरे तो मेरा नसीब अच्छा था कि ऐन वक्त पे मैं तुम जैसे आधे अधूरे आदमी से बनने से बच गई। इन सब के सामने कह दो कि तुम हमें गुल्लों के साथ शादी करोगी। अपने सिर से ये हानिकारक टैग हटाने के लिए मुझे अपनी हानिकारक बीवी बनने का एक मौका दो। ये दूल्हा है, इसकी तो नसबंदी हुई है। नसबंदी कराने से या बच्चे पैदा नहीं कराने से कोई नामर्द नहीं बन जाता। शाम को फैक्ट्री के मैनेजर आएंगे बोनस के पेपर्स पर तुम्हारा साइन ले अंगूठा लेने। तो आई होप इस घर को गिरवी रख के आप मुझे 50 लाख रुपीस दे सकते हैं। अगर आप ना ही होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका रिश्ता तोड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तुम गलत समझ रही हो चुटकी। मैं पर इसी ने आपकी जिंदगी बर्बाद की। इसको तो मैं चुटकी जी, हीरा जी की गलती हमारी जिंदगी का केवल एक पन्ना है, लेकिन जिस प्रकार हमारी जिंदगी हीरा जी ने संवारी है ना, वो हमारी पूरी किताब है। आज आपको हम अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। एक मिनट ग्लू बेटे, मुझे लगता है तुम्हें ये फाइल खोल कर देख लेनी चाहिए जिनमें ये लिखा है कि ईरावती इज प्रेग्नेंट। कौन है ये बच्चे का बाप? तुम्हें बता सकती हूँ ना इस घर में किसी और को। हमें कुछ करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट। अब हमें ये टेस्ट ईरावती पर करना होगा। रुक जाओ, मुझे नहीं कराना कोई टेस्ट वेस्ट। सही लीजिए आपकी वाइफ के रिकॉर्ड। राज जी ने अपने बच्चे के पिता का नाम जरूर अस्पताल में लिखवाया होगा। डॉक्टर राजकिरण शर्मा जी बोल रहा हूँ। हम अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखे आज शाम को। आइए आइए। आप मैं प्रीतेश पाटिल और ये मेरी वाइफ। मैं ब्लू नेल हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट हूँ। नमस्ते नमस्ते। आप आइए आइए अंदर आइए। ये तीनों डॉक्टर राजकिरण अब तक काहे नहीं आए? बस चले इराजी तो आपके सुंदर चेहरे को देखते हुए अपनी जिंदगी बिता दे। कौनो बुढ़पा की होगा जो आपको छोड़कर जाने का विचार भी अपने मन में लाए, लेकिन शायद आपको और किस्मत दोनों को ही ये बात मंजूर नहीं। Can you see him anywhere? No. Mom, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जैसी डैड यहाँ आएंगे उन पर यह शॉल डालकर इस रस्सी से बांधकर उन्हें पकड़ लूंगा। और हम पापा के सिग्नेचर जबरदस्ती इन पेपर्स पे लेंगे और सारी प्रॉपर्टी हमारी। My God, I'm so glad मेरे लिटिल सोल्जर्स मेरे साथ हैं। हे लखन भैया, अभी तक गुलू के बाप वो आए नहीं। वही तो मैं यही सोच रहा हूँ, कहाँ रह गए? इतने महीनों के बाद हम साथ साथ उनकी आरती उतारेंगे। वाह पुष्पा भाभी वाह, क्या बात। पुष्पा भाभी, ये गुलाल किस लिए इतना सारा है? आज क्या भैया जी के साथ होली खेलने का त्योहार है क्या? हाथ नहीं लगाना, ये गुलाल नहीं है, ये मिर्ची का भुक्का है। मिर्ची का भुक्का क्यों? वो पकपक जो है ना, अगर हमारे सामने गुल्लू के बापू पे डोरे डालेगी ना, तो ये मिर्ची का भुक्का उनके मुंह पे पोत के उनका ताता थैया नहीं नचाएंगे। सब बीपी के आने की देर है। चुप 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 जाओ चुप जाओ। गाइस रिएक्ट मत करना। सामने की गाड़ी के शीशे में देखोगे तो तुम्हें लड़ी सीनियर गवार दिखेगी। कहाँ? I said don't react. ए लखन भैया, ये जरा पकड़ो। अरे ये क्या? हर हर महादेव। Please check out that one. लखन भैया, हम तो थक गए। आए और ये गर्मी, this heat is getting to me. तनिक साफ तो हो जाओ, हाँ? हम जरा हवा खा के आते हैं। एक काम करती हूँ, थोड़ा पानी पीकर आती हूँ। Clean yourselves up. देवीना के बच्चे हो, come on, continue the war. तुम? या
और तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ। और तुम? हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। तुमने फोटो के लिए चंदन की माला लेने जा रहे? क्या 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 कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे वेजिटेबल्स की शॉपिंग आजकल मॉल में करने लगी हूँ। वेजिटेबल? वेजिटेबल, आलू, टमाटर, पिंडी। वेजिटेबल्स माई फुट। आज मैं बीपी के साथ साथ इसे भी चार जूते मार कर ही रहूंगी। गुलो के बापू के पास भी आई ना तो अम्मा कसम हम आज ई के कौवे के घोंसले में आग लगा देंगे। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना। क्या कर रहे हो तुम? ये डोर खोलने का समय आ गया है राजी। अखिलेश, ये डोर नहीं, मंगलसूत्र है। मंगल तो तब होता जब हमारा और आपका रिश्ता सच्चा होता। और तुम्हारी क्या खरीदा? टिंडे। ए लखन भैया, घर में सामान पहले से ही भरे, खाम खा दुगने दामों में माल लेना पड़ा। अब तो तुम घर ही जाओगे ना? नहीं, मैं सोच रही थी थोड़ा टाइम यहीं स्पेंड कर लूं, यू नो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर क्यों नहीं चली जा रही? हमें इतने दिनों के बाद माल आया है, माल खर्च करने के लिए है, तो सोचे अब आए ही है तो यह थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। हाँ हाँ, बैठो बैठो, तुम भी बैठ गई। ऑफ कोर्स। बहुत भूख लगी। अब भाई हंगरी, कुछ खाने के लिए है तुम्हारे पास? खाने के लिए हमारे पास देखते हैं है तो लाते मुक्के घूसे खाओगी। थैंक्स, पर वो तुम खा लो। फ्रूट। ए तुमने रूट की खाना की टाइम? हम जानते ना एका, तुम सब यहाँ कहे आए हो? गुलो के बाप और हमरे बीच में बाधा डालने आए हो, है कि नहीं? लगता है बाकी के मेहमान आ गए। जो भी सही डॉक्टर राजकिरण होगा उका देखते ही राजी चौंक जाएगी और इराजी के चेहरे के भाव से हम उका पहचान लेंगे। नमस्ते। आप तीनों का परिचय? डॉक्टर राजकिरण। बजरंगबली, ये तीनों तो एक ही साथ आ गए। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हीरा जी किसको देखकर चौंकी? मैं तुम दोनों के बीच बाधा डाल रही हूँ? I'm so sorry, लेकिन हम दोनों के बीच, यानी कि ग्लू के बाप बीपी और मेरे बीच बाधा तब डाल रही हूँ। उनका कॉल मुझे आया था। ए झूठी और झूठी तुम, झूठ बोलना बंद करो। आगे से झूठ बोलो ना, अम्मा कसम खा के कह रहा हूँ, तुमका खच कर डालेंगे।
गुलू के बाप का फोन हमरे पास आया था। एक्सक्यूज मी, मुझे आया था। हमरे पास आया था। मुझे आया था। हमरे पास आया। मुझे आया था। हमका आया। मुझे आया था। हमका आया था। Wait a minute. हमका आया। Wait. हमका आया। Shut up! I said wait a minute. अगर क्लू के आई मीन बीपी का फोन तुम्हें और मुझे हम दोनों को आया था लेकिन बीपी यहाँ कहीं नहीं आया है तो कहीं ये तो नहीं है कि बीपी की आवाज बदलकर किसी ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। या? ए लखन भैया बौरा गए होगा ये कोई समय है हंसने का। Wait a minute. लखन तब हंसता है जब वो स्ट्रेस्ड आउट होता है। That's right. इसका मतलब लखन जरूर कोई बात छुपा रहा हमसे। लखन क्या हो रहा है यहाँ? अगर आपने नहीं बताया यहाँ क्या चल रहा है तो आपको हंसा हंसा के रुला देंगे। अरे अरे काहे परेशान करे बेचारे लखन भैया को। जल्दी बोलो। ओ बिरजू भैया के नाम से कॉल मैं नहीं किया था। समझ में नहीं आ रहा कि तीनों डॉक्टर राजकिरण में से हीरा जी वाला कौन सा है। इन तीनों से बात करके ही पता चलेगा। क्या पार्टी ऑर्गेनाइज की अखिलेश, मजा आ गया। वेटर वन ग्लास शैंपेन प्लीज। और तुम्हारे लिए? हम मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। वो कहा है कि मदिरा पीने से लीवर खराब हो जाता है ना। एक बात बताएं हमका, आप तो डॉक्टर है फिर आप कहे ये सब? जिसके दिल में इतना दर्द भरा हो उसे लीवर से क्या फर्क पड़ता है यार। क्या बात है भैया, कौन परेशानी है का? जिंदगी में अकेले रहने से बड़ी परेशानी और कुछ हो सकती है क्या? ऐसा काहे बोल रहे हो, कोई तो होगा जिसने आपको प्यार किया होगा। प्यार करने में और प्यार पाने में बहुत फर्क होता है माय फ्रेंड। पहले खुद हीरा जी को ऐसी हालत में छोड़ दिया और यहां बैठे दुखड़ा रो रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, अकेले में बैठकर बातें करते हैं। काहे कि जब दो दोस्त अकेले बैठकर बातें करते हैं ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। चलो हमारे साथ आओ। ये सारी परेशानी की जड़ है ना, ये शराब है, अपनों को दूर कर देती है। You're so right. उसने भी मुझे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे भी मेरे रोज रोज के पीने से प्रॉब्लम थी। मेरी असली प्रॉब्लम तो ये शराब है। बस आज के बाद मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। जे हुई ना बात, अब बगा बगू का फोन करो, उका ये बताओ कि शराब छोड़ दी है, फिर देखो तुमको अपना प्रेम कैसे मिल जाता है। हेलो राहुल, राहुल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। एक बार बोल दो तू है मेरा किरण, एक बार कह दो प्लीज। राहुल शराबी की हालत में लगता है कोई रॉन्ग नंबर मिला दिए हो। यही तो मेरा राइट नंबर है अखिलेश। अरे राहुल, राहुल से मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन इस शराब की वजह से मुझे उनसे दूर होना पड़ा। बट थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से आज राहुल मुझसे फिर से मिलना चाहता है। अरे ऑल द बेस्ट तो बोल दो यार। ऑल द बेस्ट भैया। भगवान आप थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो माजरा ही कुछ और निकला। ये हीरा जी के बच्चे का बाप नहीं हो सकता। हेलो, मैंने
ने कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम ऑर्डर नहीं की है, प्लीज। व्हाट? डेविना मैंशन में पार्टी? पार्टी? शट अप। बाय द वे, ग्लू बेटे ने घर पर पार्टी रखी है। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अखिलेश ने बहुरानी के लिए घर पे सरप्राइज पार्टी रखी हुई है, इसी वजह से तो मैंने आप सबको फोन करके घर से बाहर भेज दिया। हरी मोरी गंगा भैया, ये तो खुशी की बात है लखन भैया, हम हमेशा से जानते थे हमारा गुल्लू बेटवा जो है पति के किरदार में हीरा निकलेगा, हीरा। शराब। अगर ग्लू बेटे को इदावती के लिए स्पेशल पार्टी रखनी थी तो उसने हम सबको घर से बाहर क्यों निकाला? काहे कि उसको पता है तुम लोग सब काम में बाधा डालते हो, ये बात से। अरे लेकिन अखिलेश भैया ने आपको भी तो घर से बाहर कर दिया ना। एग्जैक्टली। ये तो हम सोचे ही नहीं। हैप्पी रियलाइजेशन। जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। वी आर गोइंग टू गेट क्रश दिस पार्टी। कम ऑन किड्स, लेट्स गो मॉम। लखन भैया, हाँ? तुमने बाकी की कुटाई हम घर पे करेंगे, भगभग गाड़ी निकालो, हमको भी पार्टी वगैरह का सुनना है। आकर कुछ कर रही है तुम यहाँ? देखो अगर किसी को हमारा सच पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। किरण से ही बात कर रही है। कहाँ गए आप? वो रहा तो पार्टी से जा रहा है। ओ भैया, अरे कहाँ जा रहे हो भैया? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। देखो प्लीज, हमें जाना होगा इस वक्त। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। एक मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसका गर्भवती करके जाओगे तो मुसीबत तो आनी ही है ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने किस लड़की को प्रेग्नेंट किया है? मासूम महिला की बात कर रहे हैं हम। अरे शर्म नहीं हाथी का ऐसी नीच हरकत करते हुए? आज तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत है। पागलखाने से भाग के आए हो क्या? मैं उस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ। पिछले 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, अभी 3 दिन पहले वापस आया हूँ। वो छुपाए यहाँ से भाग कर रहे हो? मैं इस लड़की से नहीं, उन्हें देखकर भाग रहा हूँ। उस आदमी से मैंने पैसे उधार लिए थे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, इसलिए भाग रहा था यहाँ से। प्लीज सफाई से झूठ बोल रहे हो भैया, हम अच्छे से जानते कि वो तुम ही हो। अरे तुमका शर्म नहीं आती का ऐसी नीच हरकत करते हुए? अरे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे अजीब आदमी हो यार। देखो पासपोर्ट, 3 दिन पहले ही वापस आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने लड़की को प्रेग्नेंट किया है? अरे ये नकली पासपोर्ट हमका नहीं दिखाओ, हम अच्छे से जानते कि तुमने कहा। ये क्या कर रहे हो? हाँ, कोनो घर आए मेहमान के साथ ऐसे बर्ताव करता है? अरे ये देखो मोटी भाभी आ गए। ये पांडे जी, आपने इनका कॉलर क्यों पकड़ रखा था? हाँ अरे कछु नहीं, वो हमका लगा कि कोनो बुप्स का खाना खाने यहाँ चले आए, ये हमारी गलत फहमी थी, ये हमारे मेहमान है। और भैया ओके पैसे लौटा देना, ठीक है? तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे बुरा काहे मान रहे हो? अरे अरे कार, अरे भैया खाना खा के जाओ। बुरा मान गए अम्मा। व्हाट अ ग्रैंड पार्टी ग्लू बेटे। मैं जानना चाहती हूँ किस खुशी में दी है तुमने ये पार्टी? मां खुशी की तो बात है,
हीराबती जी माँ बनने वाली है और इसके साथ साथ हमने ये सोचा कि शहर के अस्पतालों को जो डोनेशन हम देते हैं वो आज ही के दिन दिया जाए। That's not it. जरूर कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। ए देविना, तनी तुम चुप्पी करो। एक तो हमारा गुल्लू जो है पुण्य का काम कर रहा है, ऊपर से तुम उनका ताने मार रहे हो। ए बिटवा, एक तो बात तो बताओ, तुम हमका घर से बाहर काहे भगाए? हाँ, उनका तो पता है ना हमका ये दान पुण्य का काम बहुत पसंद है। हम सोचे कि मोटी बा वो पांडे जी तो आपको आप सबको सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए पांडे जी ने आप सबको घर से बाहर भेजा। अब इसमें पांडे जी की कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही आइडिया था। शैतान हो तुम दोनों, हाँ बदमाश कहीं के। लेकिन एक तो बात तो बताइए, पार्टी जो ऐसे सुखी सुखी का है, हाँ ये मनाज का ना का है ना ये, हाँ ऐसे थोड़े होते हैं पार्टी। ए लखन भैया, जाओ डीजे वाला गाना तो लगाओ, देखो हमने दूल्हा दुल्हन जो है कैसे रंग जमाते हैं। चलो आओ, आओ जल्दी आओ मोटी बाबा। अरे हमारे घर में पार्टी है, बहुत खुश है हम, चलो आ जाओ। ये हुई ना बात, चलो एक दूसरे के साथ नाचो, हम भी कपग लाए थे, नाचो नाचो ए दुल्हन। दिल की कसम कस कैसे समझाए आपको इरा जी? अरे हम तो ये भी जानते हैं कि आप किसी और की है, लेकिन फिर भी आपको खोने के ख्याल से ये हमारा मन काहे घबराता है।